Assalamu alaikum everyone, welcome to the channel. Today's video is about Satoshi Nakamoto. अब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये नाम सुना होगा. अगर मैं कहूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया की ये बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है कि सतोशी नाकामोटो कौन है, तो ये बात गलत नहीं होगी. सो सतोशी नाकामोटो इज़ एक्चुअली द वन, और या फिर वो मल्टीपल लोग हैं या एक बंदा है, किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी था उसने बिटकॉइन बनाया. जिसने 2008 में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बिटकॉइन अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम. उसके अंदर उसने बिटकॉइन की पूरी टेक्निकलिटीज समझाई कि किस तरह से ये पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम होगा, इसके अंदर किस तरह प्रूफ ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट यूज होगा, किस तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा. तो इसकी सारी टेक्निकलिटीज उस 9 पेजेस का एक रिसर्च पेपर है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उसके अंदर उसने उसकी सारी टेक्निकलिटीज मेंशन की. उस वक्त तक ये सिर्फ एक आइडिया था. 2009 में उसने एक्चुअली सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को लॉन्च किया. अब उस वक्त तक किसी को सतोशी नाकामोटो का नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसके साथ कनेक्टेड थे और जिन लोगों का पब्लिकली लोगों को नाम भी पता है और जिनके बारे में अच्छी उनकी पब्लिक प्रोफाइल है, सबको पता है उनके बारे में. उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट बंदा जिसको हम समझ सकते हैं वो है जी हैल फिनी. हैल फिनी सतोशी नाकामोटो के साथ जब उसने वो पेपर पब्लिश किया, पेपर पब्लिश करने के बाद उसने जब उसका कोड भी बिटकॉइन को लॉन्च भी कर दिया और bitcoin.org उसने रजिस्टर करवा के वो वेबसाइट भी बना दी, उस वेबसाइट के ऊपर सतोशी ने अपना ईमेल एड्रेस छोड़ा हुआ था और इवन उसके रिसर्च पेपर के अंदर भी ईमेल लिखा हुआ था कि जो भी बंदा इस आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड है मुझसे रब्ता करे. सो हैल फिनी वॉज द फर्स्ट पर्सन एक्चुअली बिलीव्ड इन हिज कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्टेड हिम. तो उसके साथ कॉन्टेक्ट हुआ और हैल फिनी ही वो बंदा था जो कि जिसके साथ पहली ट्रांजेक्शन हुई थी बिटकॉइन की, यानी कि पहली ट्रांजेक्शन जो किसी को रिसीव हुई फ्रॉम सतोशी नाकामोटो, इट वॉज टू हैल फिनी. तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि हैल फिनी ही बेसिकली सतोशी नाकामोटो, लेकिन अब वो बेचारा 2014 में ही डाइड और उसको बेचारे को एक बड़ी सख्त किस्म की बीमारी थी जिसे ALS कहते हैं, जो कि स्टीफन हॉकिंग को भी थी. सो ही डाइड ऑफ दैट डिजीज. और लेकिन उसके मरने से पहले उसने एक इंटरव्यू में सिर्फ वो येस और नो में आंसर कर सकता था. तो एक इंटरव्यू में उसने नो में आंसर किया कि मैं आई एम नॉट सतोशी नाकामोटो. लेकिन उस बंदे बहुत सारे लोग अभी भी यकीन ये रखते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हैल फिनी ही बेसिकली सतोशी नाकामोटो था. अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि अगर हैल फिनी सतोशी नाकामोटो नहीं था तो वो कम अज़ कम जानता तो होगा ना सतोशी नाकामोटो को कि वो कौन था. इंटरनेट की दुनिया में ये बात बड़ी आम है कि बहुत सारे लोगों का आपको पता ही नहीं होता कि वो कौन है. वो बिल्कुल एक सूडोनम के साथ या फिर अपने इंस्टा हैंडल के साथ या ट्विटर हैंडल के साथ, जो भी उनका सोशल मीडिया हैंडल, उसी के साथ ही आप उसको जानते होते हैं. आपको नहीं पता होता ये असल में कौन है. सो वो उसको भी वो कहता कि सतोशी नाकामोटो के साथ मैं कनेक्टेड था, मैंने उसका पेपर देखा और मैंने उससे रब्ता किया और उसके साथ इस वजह से मेरी पहली ट्रांजैक्शन मेरे साथ थी. सो इसलिए मुझे नहीं पता सतोशी नाकामोटो कौन है और मैं भी सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ. 2014 में वो मर गया बेचारा और वो वाली एक बात मिस्ट्री रह गई. अब इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं. 2014 के अंदर ही एक उसी हैल फिनी जहाँ रहता था उसी के इलाके के अंदर एक दो ब्लॉक्स छोड़ के एक और बंदा रहता था, उसका नाम था डोरियन नाकामोटो. अब डोरियन नाकामोटो को मीडिया के किसी बंदे को उसका पता चला तो उसने उसको कहा जी कि ये असल में सतोशी नाकामोटो. क्यों? क्योंकि डोरियन का असल नाम जो था ना बाय बर्थ उसका नाम था डोरियन सतोशी नाकामोटो, लेकिन उसने 1970s के अंदर अपना नाम चेंज करके डोरियन नाकामोटो कर लिया था और अब वो अपना नाम उसका यही था पब्लिकली. तो लोगों को लगा कि यार एक तो नंबर वन ये हैल फिनी से करीब रहता है और दूसरा हैल फिनी का इसके साथ ये कनेक्शन भी हो सकता है कि शायद वो इसको जानता हो, तो इसके साथ पहली ट्रांजैक्शन इसका नाम भी एग्जैक्टली सतोशी नाकामोटो है. सो उन्होंने समझा जी कि यही बंदा है. उसके घर पे तो भाई सारे मीडिया वाले जमा हो गए, वो कहीं जा भी नहीं सकता. वो जब घर से निकलता तो मीडिया वाले कहते थे भाई इंटरव्यू दो. उससे जब पूछा गया कि क्या बिटकॉइन तुमने क्रिएट किया, तो उसने कहा मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, अब दूसरे बंदे इसको संभाल रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों को लगा कि यार वाकई यही बंदा सतोशी नाकामोटो है. अब सतोशी नाकामोटो इस वक्त तक जो उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी. 2011 के बाद उस बंदे ने कोई कोड के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं की और एक ईमेल एक्सचेंज के अंदर उसने किसी बंदे को बताया कि मैं अब इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर अब और लोग काम कर रहे हैं और आई एम प्रीटी श्योर कि उनके हाथों में ये बड़ा सिक्योर है. और 2011 के बाद उसकी जो P2P की प्रोफाइल थी या उसकी जो ईमेल थी, उस ईमेल से कोई ईमेल दोबारा एक्सचेंज नहीं हुई, उसकी P2P प्रोफाइल से आगे कोई और पोस्ट नहीं आई 2011 के बाद. तो इसलिए 2011 के बाद नोबडी न्यू वेयर डिड सतोशी नाकामोटो गो और ना किसी को उसकी आइडेंटिटी का पता था, ना कोई उसको जानता था. 2011 तक वो एक्टिव था, वो कोड के अंदर चेंजेस भी करता रहा, वो पब्लिकली उसके ऊपर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाता रहा, लेकिन 2011 के बाद वो गायब हो गया.
सो 2014 में ये फिर डोरियन नाकामोटो वाला और हेल फिनी वाला जो सीन है इसके अंदर फिर डोरियन पे लोगों को शक था कि यही वो सतोशी नाकामोटो है. तो उसने पहले इंटरव्यू में तो ये कह दिया कि मैं मुझे मेरा अभी से कोई तल्लुक नहीं है, तो मैं अब इसको मजीद लोग और लोग देख रहे हैं. अब उसकी ये वाली बात और सतोशी नाकामोटो की एक्चुअल 2011 की जो लास्ट उसकी ईमेल एक्सचेंज थी किसी बंदे के साथ, वो दोनों सेम बातें थी. उसने भी यही कहा कि मैं इस पर नहीं काम कर रहा, और डोरियन ने भी यही बात कह दी. अब बाद में जब इसको एक्चुअली सही प्रॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो इसने टीवी के ऊपर आके कहा जी कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये लगा कि मैं पहले गवर्नमेंट के साथ काम करता रहा हूं और सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम करता रहा हूं, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे से वो पूछ रहे हैं, तो मैंने कह दिया कि मैं नहीं उसके साथ उनके साथ अब काम करता, और लोग करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल था, मैं इनके साथ शेयर नहीं कर सकता था, मुझे इनकी बात समझ नहीं आई, बिटकॉइन का मैंने नाम भी नहीं सुना, मेरा कोई बिटकॉइन से तल्लुक नहीं है. अब ज़्यादातर लोगों ने तो खैर ये बात मान ली, अब अल्लाह जाने उसने सच कहा या झूठ कहा, लेकिन इंटरनेट इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो बंदे को वाकई कुछ खास पता नहीं था और उसका उसके साथ कोई खास तल्लुक कोई प्रूव नहीं कर सका किसी भी तरह से कि ये सतोशी नाकामोटो है या नहीं. कुछ लोगों को लगता था कि निक ज़ैबो जो कि बिट गोल्ड का कॉन्सेप्ट लेके आया था, बिटकॉइन का जो वाइट पेपर था वो आया था 2008 में, और 2005 में एक्चुअली निक ज़ैबो ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था बिट गोल्ड, और बिट गोल्ड के अंदर बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी वो बिटकॉइन वाली थी, और वो 2005 में उसने पब्लिश किया था. लेकिन 2008 में जब बिटकॉइन पब्लिश हुआ, बिटकॉइन का पेपर पब्लिश हुआ, तो उसने अपने ब्लॉग की डेट थी उसको चेंज करके 2008 कर दिया, यानी कि उसने ये प्रूव किया कि मैंने जो बिट गोल्ड बेसिकली का आइडिया पब्लिश किया है वो बिटकॉइन के बाद पब्लिश किया, बिटकॉइन से पहले नहीं किया. तो इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि उसको भाई क्या जरूरत पड़ेगी कि वो 2005 वाला काम अपना चेंज करके उसकी डेट चेंज करके कि ये 2008 में पब्लिश हुआ जबकि वो 2005 में पब्लिश हुआ था. तो इसकी वजह से इट रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज के मे बी ही इज सतोशी नाकामोटो. इसी तरह चार्ल्स हॉस्किंसन एक बड़ा ही वेल नोन नेम है जो कि एडा का फाउंडर है बेसिकली, कार्डानो का और इथीरियम का वो को फाउंडर था. तो उसने कहा कि उसके ख्याल में एडम बैक इज द गाय हु इज सतोशी नाकामोटो. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो तकरीबन 40-45 मिनट की वीडियो है, उसने बड़ी डिटेल के अंदर ये प्रूव करने की कोशिश की है कि एडम बैक इज एक्चुअली सतोशी नाकामोटो. वो वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन एडम बैक भी पब्लिकली कह चुका है कि मैं सतोशी नाकामोटो नहीं हूँ. लेकिन अगर कोई सतोशी नाकामोटो होगा तो वो क्यों मानेगा कि भाई मैं सतोशी नाकामोटो हूँ, क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो कोई भी था सतोशी नाकामोटो वो खाली हाथ नहीं गया वापस. जब वो गायब हुआ तो उसके पास 1 मिलियन बिटकॉइंस थे. बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, सबको पता है कि 21 मिलियन बिटकॉइन टोटल माइन हो सकते हैं जिनमें से ऑलमोस्ट 19 मिलियन माइन हो चुके. सो उस बंदे की ओनरशिप के अंदर 1 मिलियन बिटकॉइन थे तकरीबन, जो कि 5% बन जाता है इसकी सप्लाई का बिटकॉइन का. सो जिसके पास 5% सप्लाई हो वो तो एक किस्म की बिटकॉइन की वेल्स में से आ गया, जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेल्स क्या होते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर. सो ही इज़ वन ऑफ द व्हील्स जो कोई भी है सतोशी नाकामोटो. अब वो 1 मिलियन अगर मूव करता है या कोई भी उसकी कोई ट्रांजैक्शन करता है, उसका बिटकॉइन के ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर बड़ा फर्क पड़ सकता है. और दूसरा साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी का भी मसला कि लोगों का बिलीव है उसके अंदर, वो एक एनोनिमिटी की वजह से लोगों का ख्याल है कि कोई एक बंदा नहीं इसको कंट्रोल कर रहा, क्योंकि सतोशी नाकामोटो का किसी को पता ही नहीं है. सो अगर कोई बंदा अगर मान लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी के जितने भी फ्लॉज हैं वो सारे बिटकॉइन के साथ एसोसिएट हो जाएंगे. तो एडम बैक ने भी कह दिया मैं नहीं हूँ, इसी तरह निक ज़ैबो ने भी कह दिया. अब कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो खुद से आगे कह रहे थे कि भाई मैं हूँ सतोशी नाकामोटो. सो एक बंदा है जो ऑस्ट्रेलियन प्रोग्रामर है, सो उसने पब्लिकली जाके 2014 में कहा जी कि मैं सतोशी नाकामोटो हूँ और मैं ये बात प्रूव करता हूँ. लेकिन उसने जो उसके लिए आर्गूमेंट्स वगैरह दिए वो उससे प्रूव ना हो सका क्योंकि वो सतोशी नाकामोटो है और क्रिप्टो कम्युनिटी भी उसको नहीं मानती, मीडिया भी नहीं मानता. ऑल्दो वो जो लोग उसे कह रहे थे कि ये फ्रॉड है या स्कैम है, वो उसके खिलाफ जाके रिपोर्ट सू भी करता रहा, उन्हें उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाता रहा कि ये मान नहीं रहे. उसने बाद में कोशिश भी की कि वो बिटकॉइन का कोड और बिटकॉइन का जो वाइट पेपर है उसको कॉपीराइट करवा ले, लेकिन उसका कॉपीराइट नहीं हो सका. यूएस की जो कॉपीराइट अथॉरिटी है उन्होंने उसके नाम पर कॉपीराइट नहीं किया. सो उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की लेकिन वो उसकी कोशिशें ज़्यादा नाकामी हुई हैं और क्रिप्टो कम्युनिटी उसको नहीं मानती कि ये सतोशी नाकामोटो है या नहीं. ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि वो नहीं है. तो इस मैं पर्सनली बड़ा कन्विंस्ड हूँ कि सतोशी नाकामोटो जो है ना वो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि या तो वो एडम बैक है, क्योंकि उसकी जो प्रोफाइल है वो बड़ी ज़्यादा, मैं यहाँ उसकी प्रोफाइल ऐड भी कर दूंगा आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी प्रोफाइल बड़ी ज़्यादा मैच करती है सतोशी नाकामोटो के साथ. और जो निक ज़ैबो है उसके भी बड़े अच्छे चांसेस हैं कि निक ज़ैबो भी हो सकता है. लेकिन ऑल इन ऑल आज तक किसी को नहीं पता कि वो कौन है बंदा या
ग्रुप ऑफ पीपल या औरत या जो कोई भी, वो कौन था सतोशी नाकामोटो और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में पता चले ये कौन था, क्योंकि जो कोई भी था, या अगर वो, या तो वो बहुत सारे लोग थे, अगर लेकिन वो कोई एक बंदा था तो वो बहुत ज़्यादा जीनियस था, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट वो लेके आया और जो चीज़ उसने बना दी, वो पूरी दुनिया अब उसको जो देख रही है उसकी ग्रोथ को, और दुनिया उससे बड़ी ज़्यादा अमेज्ड है कि यार कि एक बंदा इतने ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आ गया। इसके अंदर मसले मसाइल भी हैं, लेकिन मसलों के अलावा जो इसकी पावर है ना पूरे इसके सॉफ्टवेयर की या पूरे इकोसिस्टम की बिटकॉइन की, वो वाकई में अमेजिंग है। सो आप वो रिसर्च पेपर जो था बिटकॉइन वाला, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, उसको देख के आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या वाकई ये कैसा फुल प्रूफ सिस्टम उसने डिज़ाइन किया, जो कि ट्रेडिशनल बैंकिंग से भी बेहतर है, जो ट्रेडिशनल कैश के सिस्टम से भी बेहतर है। उसने एक किस्म का दूसरा गोल्ड ईजाद कर दिया उसने, जैसे कि गोल्ड है लिमिटेड है, कोई भी बंदा माइन कर सकता है, इसी तरह बिटकॉइन भी लिमिटेड है, कोई भी बंदा माइन कर सकता है, और 21 मिलियन टोटल है और उनमें से 19 मिलियन माइन हो चुके हैं, और 1 मिलियन जो है वो सतोशी नाकामोटो के पास है। सो हु एवर दिस सतोशी नाकामोटो इज, जब कभी भी ये ही डिसाइड्स टू कम, या फिर ये भी हो सकता है कि मे बी दिस गाय डाइड, या मे बी कोई इसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली और पैसे लेके भाग गया। कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि एक देर वॉज अ बिग ड्रग डीलर जिसका नाम था ली रू, वो इंटरनेशनल ड्रग डीलर था और प्रोग्रामिंग भी बड़ा अच्छा था, C++ का बड़ा अच्छा कोड लिखता था, और उसने पास्ट में इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए भी थे। तो वो अभी फिलहाल तो जेल में है, लेकिन वो लोग समझते हैं कि शायद लरू ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बिटकॉइन बनाया था। ये भी एक कुछ लोगों का स्कूल ऑफ थॉट है। और सतोशी नाकामोटो के वैनिश हो जाने में या उसके छुप जाने के पीछे भी दो किस्म की थ्योरीज हैं, दो किस्म की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट सोचती है कि सतोशी नाकामोटो इसलिए गायब हो गया क्योंकि वो चाहता था कि बिटकॉइन ऑन इट्स ओन ग्रो करे, बिटकॉइन खुद बढ़े और लोगों का इसके अंदर यकीन हो, कोई एक फेस ना इसके साथ एसोसिएटेड हो, बिटकॉइन की अपनी एक आइडेंटिटी हो। ये पहला माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट ये लोग समझते हैं कि भाई जब उसने देखा कि इस तरह से ये बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो पैसे लेके भाग गया कि मेरी प्राइवेसी का मसला बाद में मैं ना फंस जाऊँ या मेरा कोई मसला ना बन जाए। क्योंकि जब 2011 में जब उसने डिसाइड किया कि वो हाइड हो गया, उस वक्त थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज भी थी कि बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है, इस तरह की चीज़ों के अंदर जो भी डार्क वेब पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो बिटकॉइन के थ्रू हो रही है, तो शायद उसको अपनी सिक्योरिटी का मसला बन गया कि अब लोगों को पता चल गया कि मैंने बनाया है तो आके मुझे ही ना पकड़ लें कि तुम एक क्रिमिनल हो या फिर तुम ये क्राइम को प्रमोट कर रहे हो। तो ये दूसरा जो माइंडसेट है ये ज़्यादा समझ में आता है कि वो हो सकता है इसीलिए भागा हो कि भाई मैं पैसे लेके यहाँ से निकलूँ, या पैसे ना भी लेके मैं यहाँ से अपनी आइडेंटिटी ख़त्म करूँ ताकि बाद में मेरे लिए ना मसले। उसको नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी चीज़ बन जाएगी, लेकिन इट रिमेन्स अ मिस्ट्री फॉर एवरीवन who is involved into the crypto scene, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और आई होप कि हम अपनी ज़िंदगी में इसका आंसर हमें मिले और इसका कोई पता चले कि वो एक्चुअली कौन था या कौन लोग थे जिन्होंने बिटकॉइन बनाया। दैट्स इट जी, अगर आपने ये वीडियो इन्जॉय की तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल के ऊपर। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।